हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए। आज हम बात करेंगे प्रारंभ की, आरआई भोपाल की, आरआई अजमेर की, आरआई भुवनेश्वर की और आरआई मैसूर की। और जो एनई की आरआई है नीरी, उसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ बीए बीएड के लिए दो टू ईयर डिग्री कोर्स के लिए वो वहाँ सीटें हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो हम दोस्तों बात शुरू करें, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि अनावश्यक क्वेश्चन मेरे मोबाइल पे या मेरे लैपटॉप पे मेरे को नहीं देखने पड़े। आप जब कमेंट्स करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने वीडियो देखा ही नहीं है, तो आप वीडियो देख के फिर बात करें, ठीक है? तो एंड तक देखें। देखिए, ये मैंने वेबसाइट खोल दी। सबसे पहले प्रारंभ की बात करते हैं। तो प्रारंभ की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, उसके लिए जो मेरिट लिस्ट इन्होंने डाल दी थी, अब देखिए शेड्यूल क्या है, अब क्या काम चल रहा है इस पर। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पे मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ऑन फर्स्ट मेरिट लिस्ट और इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ये कल हो गई थी, कल ये बात हो गई थी। सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये आपको 19 तारीख से ही करनी थी, यानी कल से ही आप ये कर रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके। तो एडमिशन फॉर्म आपको अपलोड करना है, ये जो इसके समर्थन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भी अपलोड करना। फिर आज क्या होगा, आज दोपहर 2 बजे, अभी थोड़ी देर बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। हालांकि 3 भी बच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रारंभ काम बहुत अच्छा कर रहा है, डेट वाइज कर रहा है काम। तो रिलीज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन फर्स्ट राउंड, अब जो फर्स्ट राउंड में जो सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उनका नाम अभी आ जाएगा, ठीक है? फिर भी किसी का ऑब्जेक्शन होगा तो सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाई कैंडिडेट्स इफ एनी, आज रात कर 11:59 तक आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आज ही लग जाना चाहिए। ये लिस्ट आ जाएगी थोड़ी देर बाद, यहाँ फिर ऑब्जेक्शन किसी का हो तो लग जाना चाहिए। और रिलीज ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड की जो फाइनल लिस्ट है वो कल दोपहर 2 बजे आपके पास आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, तुरंत फीस जमा करा देंगे, 21-22 को फीस जमा होगी, जो फीस जमा करा देंगे उनका एडमिशन पक्का, और फिर जो नहीं कराएंगे तो उनको फिर बस वो रह जाएंगे। फिर अगली लिस्ट निकलेगी फर्स्ट राउंड के बाद, तो फिर जो सीट जो वैकेंट रह जाएंगी उनको सेकंड राउंड में फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं, बात प्रारंभ की बात हो गई। प्रारंभ में भाई कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं, प्रारंभ की लिस्ट सीधी सादी है। आप लिस्ट को देखिए, आपका नाम लिस्ट में है तो आप डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं, नहीं करें तो अभी भी थोड़ा सा समय आप कर दीजिए क्योंकि 2 बजे लिस्ट निकलने वाली है, ठीक है? अब चलते हैं ओरिजिनल आरआई, उसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए इंस्टीट्यूट खोलते हैं पहले, सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट आप खोलेंगे, यहाँ प्रारंभ का है, ये आरआई भोपाल का है, अजमेर का है। देखिए अजमेर की जो साइट है वो खुल ही नहीं रही है, बैक बता रही है, मैं आपको खोल के बता देता हूँ। ये देखिए खुल ही नहीं रही, बड़ी दिक्कत आ रही है कल से, ठीक है? समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट खोल के बता देता हूँ दूसरे स्टेट की। ये देखिए, ये कौन सी है वेबसाइट, आरआईई मैसूर की, मैसूर की वेबसाइट है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है। अब ये प्रोग्राम देख लीजिए, आपको क्या कौन सा प्रोग्राम, आपको ये कौन से प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम है, जो ये देखिए कैसे कैसे कौन सी डेट है, 16 तारीख को निकला हुआ लेटर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ये यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है और ये आपका हो भी गया, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे ये सब आ गए, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको शायद भोपाल वालों को और भुवनेश्वर वालों को भी यही करना है, 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट थी उसका स्कैन करके उसको लोड करना, कास्ट सर्टिफिकेट ये चाहिएगा कंपिटेंट अथॉरिटी का, डोमिसाइल स्टेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी चाहिएगी, कंडक्ट सर्टिफिकेट, आचरण यानी चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट अदर देन कर्नाटका, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट था। तो ये अगर आपके पास ये कंडक्ट नहीं है, टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, तो ये 2-3 चीज़ें इनका आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। पीएच का सर्टिफिकेट चाहिएगा और पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट ये चाहिएगा फॉर ओबीसी एंड जनरल मेरिट कैंडिडेट हुज इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम नहीं है उनके लिए, लेटेस्ट स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पेमेंट ऑनलाइन थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट, ये सबका ऐसी है। तो पे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी फी नाउ फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, नॉन पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट, फी वंस पेड टू बी इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिफंडेड, ये आपने देख लिया है, ठीक है?
ये आपको ये यहाँ पे लिंक भी दे रखा था, ये हम पहले भी इस बात को कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कहाँ की बात, RIE मैसूर की बात होगी, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी बाकी जो ये RIE हैं उनकी बात भी कर लेनी चाहिए। तो ये RIE भुवनेश्वर की बात है, RIE भुवनेश्वर में आप देख रहे हैं 19 तारीख का जो कल इन्होंने लिस्ट निकाली थी, और आपको उस लिस्ट के बाद क्या क्या करना है, इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन, ये 19 तारीख को लिस्ट निकल गई, इसको अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू BSc BEd एंड BA BEd बाई सेलेक्टेड लिस्टेड कैंडिडेट, जो लिस्ट में जिनके नाम आ गए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना है 19 से 22 तारीख को 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक इनको करना ही करना है, ठीक है ना। 22 के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, 22 को सुबह 10 बजे बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, तो आप लोग अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ये काम अपना पूरा कीजिए। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्फर्मेशन टू कैंडिडेट थ्रू ई मेल SMS फॉर डिपॉजिटिंग फी थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट SB कलेक्ट। तो 22 तारीख को शाम को 10 बजे तक तो आपके ये सब जमा होंगे, ठीक है ना, सबमिशन हो जाएंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह, ये प्रोविजनल एडमिशन जिनके हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और यहाँ 22 तारीख को शाम को ये क्या करेंगे, शाम को 6 बजे ये वेरिफिकेशन कर देंगे डॉक्यूमेंट्स और कंफर्म कर देंगे कैंडिडेट का कि आपका एडमिशन हो गया है। अब क्या करना है, ई मित्र से आपको अब फीस जमा करानी, 22 से 24 तारीख तक डिपॉजिट ऑफ एडमिशन फी बाय कंफर्म कैंडिडेट एज पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया, उसके आधार पर आपको SMS जाएगा, मेल जाएगा, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको फीस जमा करनी है, कब, 22 से 24 तक ये जमा होगी। अब 24 के बाद क्या है, जिनकी फीस जमा नहीं हुई उनका फिर कैंसिल हो गया। अनाउंसमेंट ऑफ सेकेंड सेलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट फॉर प्रोविजनल एडमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिपॉजिट ऑफ फी फॉर कन्फर्म कैंडिडेट्स टू BSc BEd एंड BA BEd। अब सेकेंड लिस्ट का, अब जो सीटें खाली रह गई हैं उनके लिए जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। ये कितनी तारीख को, 28 से 31 तारीख को अगला प्रोसेस चलेगा। अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर BEd एंड MEd, ये टू बी अनाउंस लेटर, ये प्रोग्राम बाद में है। तो आप समझ गए होंगे, आपको इस काम में जुट जाना है, आपको कल परसों तक सारा काम आपको सुलटा लेना है। अब RIE भोपाल की बात करते हैं, RIE भोपाल ये देख लीजिए, RIE भोपाल में ये सेशन बता रखा है, सेशन देख लीजिए, सीधा सीधा नया कुछ नहीं है। ये BA BEd की लिस्ट यहाँ से खोलिए, BSc BEd की फिजिकल साइंस की यहाँ से खोल सकते हैं, BSc BEd बायोलॉजिकल की यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन से वो यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इंस्ट्रक्शन, इनको आप दोबारा देख लीजिए दोस्तों। द कैंडिडेट द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज गिवन इन द लिस्ट इन द लिंक। ये लिंक, इस लिंक पे जाएंगे तो आपको इस लिंक पे बता रखा है कि डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिएगी, उसको अपलोड करना है, स्कैन करके अपलोड करना है ना, सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग विच शुड बी साइंड बाई बोथ द कैंडिडेट एंड द गार्जियन पेरेंट्स। आपके अभिभावक हैं, आप दोनों के साइन होने चाहिए, स्टूडेंट के भी होने चाहिए और आपके यानी अभ्यर्थी और आपके माता पिता में किसी के साइन होने चाहिए। तो आपको जो कॉपी अपलोड करनी है, स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, तो जैसे ऑफ द अंडरटेकिंग द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग विच शुड बी साइन बाई बोथ। तो आप कोई शपथ देते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं ये फॉर्म है तब उपलब्ध करा दूंगा, मैं रेगिंग नहीं करूंगा, इसके ऊपर ये अंडरटेकिंग देते हैं तो आपके साइन होंगे, आपके पेरेंट्स के साइन होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जैसे CC नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ये चीज़ें आप बाद में जमा करा सकते हो, उसकी भी अंडरटेकिंग दे सकते हो, लेकिन आप दोनों के साइन होंगे। द कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन विल बी कम्युनिकेट टू द कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने शुरू में बताया वही बात होगी, SMS या ईमेल आ जाएगा, जो जिनका ईमेल और SMS आएगा उन लोगों को 22 तारीख को फीस जमा करा देंगे, ठीक। तो ये कोर्स फीस बताई दी थी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, 24,475 है ये BSc BEd फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, 24,475 रुपये जनरल OBC हॉस्टल में रहना होगा।
होस्ट में नहीं रहना है उनको, उनकी 13,475 मात्र, और SC ST के हैं उनकी ट्यूशन फ़ी नहीं लगती है 5,000 रुपये, तो ये 24,475 में से 5,000 गए तो 19,475 है ना, 19,475। एंड SC ST जिनको हॉस्टल में नहीं रहना उनकी मात्र 8,475 रुपये फीस लगेगी। ये पेमेंट के स्टेप हो गए, आप अच्छी तरह खोल के देख लेंगे, आप पढ़े लिखे लोग हैं सारे, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फ़ोन करके या मेल करके साइट पर जाके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप इस पर बार बार विजिट करते हैं। अब बात करता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास, उनकी बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया, सर मैंने PG के मार्क्स भर दिए थे, हैं UG के भरने, फिर मेरे पास मैसेज आया कि मेरे को UG के मार्क्स भरने, PG के भर दिए थे, तो अब मैंने जो PG को भरने की कोशिश की, PG के मार्क्स भरने की कोशिश की, तो लॉक्ड बता रहे हैं। ये अर्शप्रीत है, सर आई गोट मैसेज टू अपडेट माई क्वालिफाइंग स्कोर, एज अर्लियर आई अपडेटेड माई PG स्कोर, सो नाउ दे आस्क टू अपडेट ग्रेजुएशन स्कोर, बट वेन आई एम ट्राइंग टू डू सो इट शोइंग अप्लीकेशन लॉक्ड, सो व्हाट शुड आई डू नाउ, प्लीज डू रिप्लाई। तो अर्शप्रीत जी, मेरा तो ये कहना आप ईमेल कीजिए, जिस भी RIE से संबंधित हैं आप, उस RIE को मेल कीजिए, और फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, फ़ोन पे आप उनसे संपर्क कीजिए कि मेरी जो लॉक लगा हुआ उसको आप खोलिए, है ना, ये आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे रंगाराज कहते हैं, सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है? तो फ्रेंड्स, ये तो लास्ट डेट आपको बता ही रखी है कि इतनी इतनी बजे करना है, आज अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये लास्ट डेट देख लीजिए, इतना तो आप पढ़े लिखे हैं, इतना तो जानते हैं। तीसरा पूछा है, सर लिस्ट में नाम आ गया अब क्या करना है? अरे खुशियाँ मनाओ भाई, लिस्ट में नाम आ गया है तो आगे की कार्रवाई करो, क्योंकि आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ में आपको कागज़ अपलोड करने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बहुत सारे, और आपको फीस जमा करनी है, और आपको बार बार बताया जा रहा है, मैं भी बता रहा हूँ और कोई अन्य चैनल हैं वो भी बता रहे हैं आपको बार बार, ठीक है। आगे कयूम पूछ रहे हैं, सर यूज़र नेम व पासवर्ड की जगह क्या भरना है? तो कयूम जी, यूज़र नेम की जगह तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो उस जगह आप फॉरगॉट पासवर्ड करके दूसरा पासवर्ड डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे, आप लगे रहिए, आप कोई गलती मत कीजिएगा, समय से सारे काम कीजिएगा, आपका सब कुछ अच्छा होगा। एक बार जो फिर से सेलेक्ट हुए उनको पुनः पुनः बधाई, अजमेर का रिजल्ट भी आज आने की पूरी पूरी संभावना है, थोड़ी देर में अपलोड कर सकते हैं, मैं इंतज़ार में ही बैठा हूँ, देखो क्या होता है, कोई अनहोनी नहीं हुई तो आ जाएगा। अब बस आज इतना ही, फिर जब मौका मिलेगा आज ही दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।